देखिए, सबसे पहले तो पूरे देश भर को बधाई देता हूँ बीइंग अ हॉकी प्लेयर कि कई दशकों के बाद महिलाएं टीम और पुरुष की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है, और सारा का सारा श्रेय आप लोगों की दुआओं के कारण और जो महिला टीम और पुरुष टीम ने मेहनत की है। 2020 में कोविड के कारण ये ओलंपिक्स नहीं हो पाई, और 2021 में ये ओलंपिक्स हो रही है, और इसमें अच्छा प्रदर्शन करना और कोविड के बीच में से ट्रेनिंग कर और ऐसे पोजीशन पर पहुंचना, टॉप फोर में आना, और मैं भी आपसे से पहले काफ़ी लोगों को भी बोल चुका हूं कि मैं फिंगर क्रॉस रख रहा हूं, मिठाई मेडल के बाद ही दूंगा सबको, क्योंकि मेरे लिए क्योंकि बीइंग अ हॉकी प्लेयर, फॉर्मर हॉकी प्लेयर, मैं हमेशा जब तक फाइनल विसल नहीं बजती थी तो मैं मैच की जीत की खुशी नहीं मनाता था। तो मेरे लिए आज भी वेट है, कल लड़कों का सेमीफाइनल है, देन उसके बाद लड़कियों का सेमीफाइनल है, तो 4 तारीख को लड़कियों का है, 3 तारीख को लड़कों का है, तो दोनों मैच के बाद फाइनल्स होंगे, तो फाइनल्स के बाद ही मैं आप लोगों को विद मेडल मिठाई खिलाऊंगा। आप खुद हॉकी के जिस प्रकार से खिलाड़ी रहे हैं, इस मूवमेंट पर किस तरीके से खिलाड़ी के मन की भावना होती है, किस तरीके का प्रेशर होता है, इन बधाइयों का भी प्रेशर अपने आप में? देखिए, मोस्टली अगर आपने देखा होगा, मोस्टली खिलाड़ी ऐसे सच ए बिग टूर्नामेंट में सोशल मीडिया से और न्यूज़ से काफ़ी दूर रहते हैं, क्योंकि 99% जब आप जीत रहे होते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं, लेकिन उससे आपका जो फोकस है कहीं ना कहीं दूर जाता है। आपके कई साथियों के साथ मैंने ओलंपिक शुरू होने से पहले एक बात कही थी कि ये कुछ दिन है, हमें चाहे कैसी भी रिजल्ट आए, हमें अपना फोकस अपने गोल की तरफ रखना है। तो ये मोमेंट सबसे बड़ी मोमेंट है जब हमें अपना फोकस जो है सेमीफाइनल और फाइनल की तरफ रखना है। देखिए, महिला हॉकी में 9 लड़कियाँ हमारी हरियाणा की हैं, लेकिन मेरे लिए जो 18 प्लेयर्स हैं वो भारतीय हैं। तिरंगा जो है वो प्रायोरिटी है, कंट्री हमारी प्रायोरिटी है। तो मैं बहुत ये सोच के चल रहा था कि जिस दिन इनकी एक विन हो गई, वो विन इनको बाउंस बैक करेगी। तो इनकी जो पहली विन हुई सेकंड लास्ट लीग मैच में, देन लास्ट लीग मैच में दूसरी विन, और क्वार्टर फाइनल में तीसरी विन, अब चौथी विन इनकी सेमीफाइनल्स में होगी फिंगर क्रॉस। तो उस चीज़ को लेते हुए इनका बाउंस बैक बहुत ज़रूरी था। और इंडियन मेंस टीम में एक मैच जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लूज किया, उससे इनकी जो गलतियां हैं वो मिनिमाइज बहुत हुई हैं, वो मिनिमाइज जो है, जिससे इनको आज देख लीजिए कि टॉप फोर में सेमीफाइनल कल बेल्जियम के साथ खेल रहे हैं, तो ये उसका नतीजा है। देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि 6 करोड़ गोल्ड का और सिल्वर का और ब्रॉन्ज का जो हमने पैसा ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं, और डेफिनेटली इतना बड़े मेडल के बाद स्वागत तो बनता ही है। संदीप जी, जिस तरह से एक मेडल से ज्यादा बड़ी उपाधि होती है जनता के द्वारा दी गई उपाधि, आपको सूरमा कहा गया था, सविता पुनिया को दबाव की उपाधि दी गई है जनता की ओर से, जिस तरह से 7 पेनल्टी कॉर्नर आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने डिफेंड करे, मोनिका मलिक है जिन्होंने डिफेंडर के तौर पर जिन्होंने बेहतरीन काम आज फील्ड में किया, क्या कहेंगे सर इस चीज़ को लेकर? देखिए, आपने सूरमा की बात की, सूरमा तो मुझे मूवी से नाम मिला है, लेकिन मेरा नाम एक्चुअली में फ्लिकर सिंह था, और वो भी आप लोगों के भाइयों और बहनों के मीडिया के माध्यम से मुझे ये मिला है फ्लिकर सिंह का नाम। तो मैं धन्यवाद तो मीडिया का कहूँगा कि उनकी वजह से मैं आज, अगर हॉकी जगत में या स्पोर्ट्स जगत में मुझे कोई फ्लिकर सिंह कहता है तो मीडिया की वजह से है। दूसरी बात, वॉल अपने हॉकी में 2 वॉल मैं उनको कहता हूँ, एक तो सिरिजेश और एक सविता, क्योंकि दोनों ने जो परफॉर्मेंस दी है, आप देख लो, कल जब सेमीफाइनल था, आज सेमी क्वार्टर फाइनल था, कल लड़कों का और आज लड़कियों का क्वार्टर फाइनल, दोनों में जब बैक टू बैक शॉट कॉर्नर मिल रहे थे, सिरिजेश के सेव और सविता पुनिया के सेव, दोनों ने आपको देखो रिजल्ट एकदम से, जब आप अटैकिंग हॉकी खेलते हैं, अटैकिंग हॉकी में हमेशा डिफेंस में गोलकीपर की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि जब भी काउंटर अटैक आता है अपने ऊपर, तो उसमें गोलकीपर की जो सेव होते हैं वो आपको हमेशा बाउंस बैक करते हैं। देखिए, आपके सवाल से एक मेरे को डायलॉग याद आ रहा है चक दे इंडिया का, 70 मिनट वाला, तो आजकल 60 मिनट की हॉकी है, तो इनके पास सेमीफाइनल में 60 मिनट हैं, और जो भी इनकी ज़िंदगी का हॉकी का निचोड़ है वो इसमें 60 मिनट में दें। और एक और चीज़ मैं पॉजिटिव वे में आपको कहना चाहता हूँ कि खोने के लिए कुछ नहीं है इंडिया के पास, जो भी है पाने के लिए है। लोगों के दिल तो जीत चुके हैं, अब सिर्फ मेडल बाकी है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।